प्याज ज़्यादा नहीं बट ट्रांसलूसेंट टाइप्स किए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जो रेसिपी है, ये जो टाइप्स ऑफ सालन है, ये स्पाइसी ही अच्छा लगता है। और इसमें कोई भी बाहर के मसाले ऐड नहीं होते, नो गरम मसाला, नथिंग, जस्ट यू नो द थ्री थिंग्स ओनली, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी एंड नमक और जीरा। और धनिया चाहिए इसमें अच्छा सा, ठीक है। एंड अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट अराउंड 2 टीस्पून्स, थोड़ा सा ऑयल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रेसिपी की, ये सालन की, ये है कि मसाले को आपको आराम से 10-15 मिनट्स ऑन लो फ्लेम भूनना होगा। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मसाले को भूनने देंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही मैं डाल रही हूँ। ओके, सो अब मैं जो है इसको ढक देती हूँ और इसे भूनने देते हैं हम अच्छे से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटन। ओके, सो जब तक हमारा मसाला यहाँ भून रहा है, मैंने जो है सीटी लगाई है, स्लो पे ही 2 फ्लेम पे हो रहा है, तब तक हम जो है आटा गूंद लेते हैं बाटी के लिए। इट्स अ टाइप ऑफ ब्रेड जो यहाँ पर खाया जाता है गुजरात में। मैंने कभी जो ये सालन है, ये जो टाइप ऑफ मटन करी है, कभी मैंने बाटी से नहीं खाई, बल्कि गर्मा गर्म चपाती के साथ जो कि चूर के हम खाते थे। सो नाउ, क्योंकि बाटी से भी बहुत अच्छा लगता है, तो गेहूँ का आटा, प्योर गेहूँ का आटा, इसमें कोई भी चीज़, मैदा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ये फार्म के गेहूँ हैं जो कि पिसवा कर लाए गए हैं। सो नमक सबसे पहले, ब्लैक सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, एंड देन आई एम एडिंग जीरा एंड अजवाइन conscious, but you know this party needs oil. और because मटन भी हैवी होता है, इसलिए ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ मैं, तो सही। आप घी भी डाल सकते हैं, मैं कभी कभार घी से भी बना लेती हूँ, बिकॉज घर का ही घी होता है। सो अब जो है हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गूंदेंगे, लेकिन इसको थोड़ा हमें कड़क गूंदना होगा। जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए गूंदते हैं, वो नर्म होता है, मतलब मीडियम होता है, बट इसको थोड़ा सा हम कड़क गूंदेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाला जो है भुन गया है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे मटन अराउंड, दिस इज 1 और 1.5 kg। ओके, सो अब जो है हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको हम गोश्त को गलने देते हैं। तो अभी हम गूंद लेते हैं आटा। यस, मैं भूल कैसे गई, मुझे इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करनी है फॉर अ गुड कलर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। सो देखिए, इसमें जीरा, हल्दी, नमक, तेल, अजवाइन, ये 4 चीज़ इसमें जो है जाती हैं। और आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। इसे आटा भून गया और इस तरह जो है मैं बाटी के शेप्स दे रही हूँ जो है कोल की, और इस तरह, और फिर उंगली से ही मैं इसको जो है इसे एक शेप दे दूँगी। दिस इज कॉल्ड बाटी शेप, ऐसे गैस तंदूर बाटी का कुकर जिसमें हम अपनी बाटी बनाएंगे। मैंने जो है गरम रखी हूँ कि गरम हो जाए, तो हम इसमें जो बाटी कुक करेंगे। हम तवे पे डालेंगे थोड़ा जीरा, इसको जो है हम थोड़ा सा सेकेंगे, फिर इसको पीसेंगे, और ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है रेसिपी का। इसको जो है मैं तोड़ के फिर डाल रही हूँ चूरमा बनाने के लिए। और अब जो है इसमें हमने डाली घी, फिर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट थोड़े से,
वी डिसाइडेड टू ऐड जगेरी गुड़ हम डालेंगे, शक्कर नहीं डालेंगे। चूरमा इसको कहते हैं, बाटी का जो बनता है। हाँ, जीरा जिसको मैंने पीस दी हूँ इस तरह बारीक, और अब हम इसे डालेंगे। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा रहा। सो अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी है, बटर मिल्क चूरमा और मटन एंड बाटी। सो अब इसे खान बैठे खाने के लिए, और इस तरह जो है मैंने इनको ये बर्तन में दी हूँ, ये 300 साल पुराने बर्तन है। यस, 300 साल पुराने बर्तन। सो आज जो है मैंने ये निकाली, और मैंने कहा आज एकदम मस्त इनको देती हूँ। कैसा लगा आपको ये बर्तन देखकर? ऐसे लग रहे सोने के बर्तन है ना। क्या दिस इज लाइक जिसमें भी पानी पीते हैं। आई रिमेम्बर वो मैंने बॉटल भी ऑनलाइन मंगाई थी, तो बहुत वो असली आती है मे बी। सो हेल्थ के लिए अच्छी बात है, हेल्थ के लिए ये बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें लोग पानी भी पीते हैं। वो सर्च करो ना, एक सेकेंड, आई कांट रिकलेक्ट द नेम, आई नो। अब मिस्टर खान खाएंगे खाना और मुझे बताएंगे कैसे बनाए। थैंक यू। सो ये है 300 साल पुराने बर्तन जो मैंने आज निकाली। ये है चूरमा जिसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये है बटर मिल्क घर का बना हुआ, जैसे घी बनाते हैं तो उसमें से जो बटर मिल्क प्योर बटर मिल्क निकलता है ये वो है, मार्केट की नहीं है। और ये है मटन जो कि मेरी डैडी की रेसिपी है, मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और ये है बाटी, इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो यस, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। सो यस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, एंड यस, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। इस तरह चूर के बताएं आप कैसे बनाए। बाहर का तो हम बहुत खाते हैं, घर की बात अलग है। थैंक यू सो मच। और ऊपर से देसी फूड की बात अलग है। यस, वो भी 300 साल पुराने बर्तन में।